नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कल हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था 11 बजे। तो वो कैंपेन कैसा रहा और उसका कितना क्या हमको रिस्पांस मिल सकता है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोगों ने कल चलाया था ट्विटर कैंपेन 11 बजे और हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं सीजीएल 2019 वाले वो अपना कैंडिडेचर कैंसिल करें और इसके लिए एसएससी कोई विंडो प्रोवाइड करे ताकि वो अपना कैंडिडेचर कैंसिल करवा सके। क्योंकि अब ग्रीवेंसेस डालना और डीओपीटी को भेजना ये मुझे नहीं लगता कि सभी एस्पिरेंट कर सकते हैं। हेड ऑफिस में जाके एप्लीकेशन रिटर्न में देना तो ये सभी नहीं कर सकते और उतना मतलब अब करेंगे स्टूडेंट लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी विंडो मिल जाती है जिसके थ्रू वो मतलब अपना कैंडिडेचर कैंसिल करा सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं सीएचएसएल 2019 वाले उनको यहाँ पर मौका मिलेगा और सीट खराब नहीं जाएगी। तो अगर हम कल के ट्विटर कैंपेन की बात करें तो मुद्दा तो लगभग हर एक जो टीचर है उस तक पहुँचा दिया गया। गगन प्रताप सर तक भी मुद्दा पहुँच गया है, अभिनय सर तक भी पहुंच गया है, लेकिन उन्होंने कोई इस पर रिस्पांस अभी तक नहीं दिया है, वो एक अलग बात है। और जहां तक कि अगर मेरी बात करूं मैं तो मुझे भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। मैंने जो ट्वीट किया था उस पर एक ट्वीट पे मेरे 5 रिट्वीट हुए हैं और दूसरे वाले पे 11 हुए हैं। इसी तरीके से एक आरवी चैनल शुभम जैन सर का चैनल है, उन्होंने उनके जो उनका जो ट्वीट हुआ है उस पर जो रिट्वीट हुए हैं वो 1543 हैं। तो जो नंबर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि क्या रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट का या नहीं आ रहा है तो मेरे पास भी ढेर सारे ग्रीवेंसेस स्टूडेंट के आ चुके हैं। उन्होंने ऑनलाइन उनका जो कंप्लेन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके ढेर सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं, एस्पिरेंट ने भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं असर तो हो रहा है लेकिन अभी क्या है कि इसमें और थोड़ा सा अगर एफर्ट डाला जाए तो ये चीज़ें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं। क्योंकि अभी अगर जो भी हमें काम करना है वो बहुत जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि आपको पता है कि रिज़ल्ट आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मई लास्ट तक रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला हो तब आप जाएं एसएससी ऑफिस में और अप्लीकेशन दें तो आपका एक्सेप्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारे पास 5 से 10 दिन का टाइम है इसमें जो हमें करना है हम बुक कर सकते हैं, ठीक है, और तभी हमारा कुछ ना कुछ और फ़ायदा हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो सीजीएल 2019 वाले जितने भी सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी भी ग्रीवेंसेस नहीं डाली हैं तो वो काम आप जारी रखिए, ठीक है। उसके अलावा एक और ट्विटर कैंपेन करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हुए और इसको सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे तभी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। तो यही छोटा सा अपडेट था जो मुझे आप लोगों को देना था। तो इसके लिए सोचिए कि कब करना है उसे और शुभम जैन सर तक भी पहुंचाइए और इसको करते हैं तो कुछ हमें इससे फ़ायदा हुआ, कुछ अगले से फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रयास है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।